लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस डिस्कस कर लिए, सारे के सारे हो गए थे टिल कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आज उसके दो इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे हम, हो गए थे ना फंक्शंस क्लास लास्ट में सारे के सारे। और तुम्हें होमवर्क बस यही दिया था छोटा मोटा सा कि तुम्हें फंक्शंस बस एक बार गो थ्रू करने हैं सारे के सारे सेंट्रल बैंक के, और वो तुम इतने इंटेलिजेंट हो तुमने कर ही लियो। देखो अब लास्ट फंक्शन अगर तुम्हें याद है, हमने जो लास्ट फंक्शन किया था दैट वाज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जिसका मतलब बस ये था कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ क्रेडिट को, कब बोरोइंग्स बढ़ानी है, कब पब्लिक को ज्यादा पैसे देने हैं, कब पब्लिक को कम पैसे देने हैं, अगर पब्लिक ज्यादा डिमांड कर रही है लोन्स तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीजें किसके कंट्रोल में है, आरबीआई के, जो किस फंक्शन के थ्रू डील करता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम दो इंस्ट्रूमेंट्स में कैटेगराइज करें। आज वही दो इंस्ट्रूमेंट्स और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। दो इंस्ट्रूमेंट्स पेन और रजिस्टर सामने होना चाहिए, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक है क्वांटिटेटिव क्वांटिफिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इनको हम बोलते हैं, और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज बैंक रेट पॉलिसी, बोलो या बैंक रेट बोलो, दोनों का मतलब सेम है। बैंक रेट भी लिख सकते हो, बैंक रेट पॉलिसी भी लिख सकते। ढंग से इंडिपेंडेंट टर्म को सुनना, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यूनिट 3 जो अगला यूनिट आएगा मैक्रो का, उसके एंड में ये सारे के सारे इसके भी टाइप्स और इसके भी टाइप्स रिपीट होंगे, तो तब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तब सिर्फ मैं आगे का पढ़ाऊंगी कि हाँ भाई बैंक रेट ये होता था, इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे या सप्लाई, वो आगे के टॉपिक। ठीक है, तो आज की क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंटिवनेस होनी चाहिए। बैंक रेट का मतलब क्या है पहले वो समझ। बैंक रेट होता है एक ऐसा मिनिमम रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या देती है लोन। मैं आरबीआई हूँ, तुम कमर्शियल बैंक हो अभी के लिए। तो क्या है बैंक रेट? एक ऐसा मिनिमम रेट जिस रेट पे आरबीआई लेंड्स मनी टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल बेसिक से डेफिनेशन, मीनिंग दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आगे का टॉपिक इससे कनेक्ट होगा। फिर से बैंक रेट क्या है? मिनिमम रेट जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रही है किसको? कमर्शियल बैंक्स। अब अगर ये बढ़ जाता, बैंक रेट बढ़ गया, तो तुम्हारे लिए लोन लेना महंगा हो गया या सस्ता? तुम कमर्शियल बैंक हो, मैं आरबीआई, मैंने बैंक रेट बढ़ा दिया भाई, तुम्हारे लिए लोन लेना महंगा हो गया या सस्ता हो गया? जब यस, क्या महंगा हो गया सस्ता ये बताओ ना। हाँ, तुम्हारे लिए लोन लेना महंगा हो गया या सस्ता हो गया? महंगा। ठीक है, तुमने बोला है तुम्हारे लिए, मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए जो कॉस्ट है बोरोइंग्स की वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, महंगा हो गया भाई लोन लेना। तो तुम इतने दयालु तो हो नहीं कि भाई आगे पब्लिक को तुम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दोगे। अगर बैंक रेट बढ़ा है, तुम्हें लोन महंगा मिल रहा है आरबीआई से, तो तुम पब्लिक से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे? यस और नो? तुम पब्लिक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे लेंडिंग का, वो ज्यादा चार्ज करोगे या कम? ज्यादा। ठीक, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया तो पब्लिक लोन ज्यादा ले पाएगी या कम ले पाएगी? पब्लिक तुमसे बोरोइंग ज्यादा कर पाएगी या कम कर पाएगी? ये एक्सप्लेनेशन है। बैंक रेट बढ़ा, जो आरबीआई और कमर्शियल बैंक का कनेक्शन है, बैंक रेट मैंने बढ़ा दिया, तुम मुझसे महंगा लोन ले रहे हो भाई, तुम आगे पब्लिक को भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दोगे, तो पब्लिक लोन की डिमांड ज्यादा करेगी या कम करेगी? मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर खत्म होना चाहिए यहाँ पे, फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का फ्लो बढ़ा या घट गया? घट गया, तो जरा देखो कैसा रिलेशन, बैंक रेट बढ़ा, फ्लो ऑफ क्रेडिट घटा। देयर एग्जिस्ट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। हर पॉइंट में एक रिलेशनशिप है,
ऑलमोस्ट हर पॉइंट में एक रिलेशनशिप है, और वो हर बार जैसा रिलेशन दिखेगा नेगेटिव रिलेशन. अभी हम देखेंगे और भी पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज नेगेटिव रिलेशनशिप. ये अगर तुम ऐसे लिख के आ गए ना एग्जाम में, इफ बैंक रेट इंक्रीजेस फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीजेस, जीरो मिलेगा सीधा. क्वेश्चन मार्क देखेंगे तुम. क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है भाई, कैसे समझाओ तो बैंक रेट के बढ़ने से फ्लो ऑफ क्रेडिट घटा कैसे, तो ये पूरा फ्लो आना चाहिए, तो रटना नहीं है यहाँ पे. टीचर को भी पता चल जाता है कब रटा और कब समझा है. तो एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है. वैसे वर्षा अगर बैंक रेट घट जाता, सस्ता हो जाता लोन लेना तुम लोगों के लिए, मुझसे तुम मुझसे ज्यादा लोन ले पाते, तुम आगे पब्लिक को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देते, तो पब्लिक ज्यादा लोन की डिमांड करती. तो जब बैंक रेट घटेगा फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, तो वाइस वर्सा केस. हाँ, वाइस वर्सा केस में एक्सप्लेन नहीं कर रही, तुम्हें एक आ गया दूसरा तुम ऑब्वियसली खुद एक्सप्लेन कर सकते. ये पहला कॉन्सेप्ट है क्वांटिटेटिव मेजर, दैट इज बैंक रेट. जब होता जाए तो बताते जाना, फिर मैं आगे बढ़ू. और बेटा ऐसा है ये ना, एक एक मिनट रुक जाना. और ये ना ऐसा है कि तुम्हें ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है. मुझे नहीं पता अभी तुम्हारे पास ना बुक है या नहीं है, फाइव का बोलो. मुझे नहीं पता अभी तुम्हारे पास बुक है या नहीं है, बट मैंने ना जान पूछ के हर पॉइंट के नीचे ना फिगर दी. हाँ लिपिका, मतलब कितना भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे पागलों की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी या कम करेगी. डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, पूरा डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलता है लिपिका. अगर उन्हें लग रहा है ना आरबीआई को लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं भाई लोन, तो बढ़ा देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. तभी तो ये महीने महीने में, ऐसा नहीं कि हर महीने चेंज होता है, महीने में दो तीन बार भी बदल जाता है. तो इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं. और मैंने फिगर्स दी हैं 2018, 19, 16, मुझे भी नहीं याद कौन सी वाली मैंने फिगर्स तो मैं दे रखी है, जिस मैंने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर जो भी टर्म्स है उनकी परसेंटेज दी हुई है. तो ऑल्दो वो 2018-19 की फिगर है, तो वो अब तक तो चेंज हो गई होंगी. अगर 2019 की है वो अब तक तो बदल गई होंगी, मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. 0.25, 0.5, 1% इतने तक का डिफरेंस आता है. तो तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कि कौन किसके आसपास रहता है, बैंक रेट का रेट अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 तक जाता है, ऐसे तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए. ठीक है, अबे अगला जो क्वांटिटेटिव मेजर हम डिस्कस करते हैं वो आता है सीआरआर. स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो. अब जरा याद कर, अरे एक मिनट, इसने कुछ लिखा, एक सेकंड. आप कुछ कह रहे थे, मैं कुछ कह रही थी, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी. हाँ तनीषा, को मैंने बोल दिया था वो बुक में जो फिगर्स दिए ना उसके बारे में बता रही हूँ. 2019 वाली जो डेटा दे रखा है मैंने, परसेंटेज की, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, बैंक रेट कितना है, वो वाला. अगर देखो कैश रिजर्व रेशियो, तुम्हें याद होगा बैंकर्स बैंक हमने फंक्शन पढ़ा सेंट्रल बैंक का, वो क्या था कि जैसे हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, कमर्शियल बैंक का रिलेशन आरबीआई के साथ से, जैसे हम डिपॉजिट मेंटेन करते हैं, कमर्शियल बैंक भी कुछ रिजर्व्स मेंटेन करता है आरबीआई के पास, और आरबीआई जो है वो उन्हें लोन भी ग्रांट कर देती है, जैसे हमें लोन मिल जाता है कमर्शियल बैंक के थ्रू. तो उसी पॉइंट से कनेक्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो. अब क्या है पहले मीन्स, हर कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी है, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कंपलसरी किसके पास मेंटेन करना होता है, आरबीआई के पास, और वो भी किस फॉर्म में मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व्स के, कैश के फॉर्म. क्या है मीनिंग क्लियर रखना, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज दिस, वो परसेंटेज किसके पास मेंटेन करना होता है, आरबीआई के पास,
और हमेशा किस फॉर्म में मेंटेन होगा? कैश फॉर्म. दिस इज द डेफिनेशन फॉर कैश रिजर्व रेशियो. अब सुन, अगर ये बढ़ गया, फ्लो फ्लो में चलेंगे, अगर ये बढ़ तो तुम्हें मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रखने पड़ेंगे या कम? तुम्हें मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रखने पड़ेंगे या कम अगर सीआरआर बढ़ गया? ऑब्वियसली बात, तुम मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रखोगे. ऑब्वियसली अगर तुम मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रख रहे हो तो तुम्हारे टोटल डिपॉजिट्स बढ़े या घट गए? तुम्हारे टोटल डिपॉजिट्स बढ़ गए या घट गए? ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे टोटल डिपॉजिट्स कम हो गए, तो तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकते हो या कम? तुम पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकते हो या कम? कैसा रिलेशन? सीआरआर बढ़ा तो तुम्हें मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रखने हैं. अब तुमने अगर मेरे पास ज्यादा रिजर्व्स रख दिए, तुम्हारे टोटल डिपॉजिट पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, वो घटेंगे, जिसकी वजह से तुम आगे पब्लिक को कम लोन दे पाओगे, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीज हो गया. तो अगेन कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशनशिप. तुम देख रहे हो सब पॉइंट्स एक ही चीज बता रहे हैं. बैंक रेट ने भी सेम चीज बताई, सीआरआर भी सेम चीज बता रहा है, आगे आने वाले पॉइंट्स भी सेम चीज बताएंगे. बट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये जो बीच का प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेन करना, ये इम्पोर्टेंट. अल्टीमेटली हमें एंड कंक्लूजन वही निकालना है कि भाई नेगेटिव रिलेशन, बट द एक्सप्लेनेशन मैटर्स. दिस इज सी आर आर. वैसे वैसे अगर हो जाता, सी आर आर घट जाता, तो मुझे कम रिजर्व, मतलब तुम लोगों को मेरे पास कम रिजर्व रखने हो, तो तुम्हारे पास टोटल डिपॉजिट ज्यादा बचते, तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन ग्रांट कर पाते, वो भी सेम चीज. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश रिजर्व रिच. चले अब देखो तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एसएलआर. क्या है एसएलआर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर? एक नंबर का बहुत कॉमन क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है सीआरआर एसएलआर में? दोनों तो रिजर्व ही. सीआरआर तुम लोगों को आरबीआई के पास, मेरे पास मेंटेन करना था किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म. एसएलआर तुम लोगों को अपने ही पास मेंटेन करके रखना है, जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में, किसी भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में. सुनो फिर से, एसएलआर क्या है? हर कमर्शियल बैंक को अपने ही पास देमसेल्फ्स अपने ही पास कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं. मैंडेटरी है क्योंकि आरबीआई ने फिक्स कर रखा है रिजर्व्स रखने हैं अपने पास, जो उनका ही पैसा है, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे वो यूज करेंगे रिजर्व्स के फॉर्म में, जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में. नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, किसी भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में. लिक्विड एसेट का मतलब विच आर इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश. तो मोस्टली गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं बैंक्स, तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सीआरआर आरबीआई के पास रखना है कैश के फॉर्म में, एसएलआर अपने ही पास मेंटेन करना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर लिक्विड एसेट गोल्ड. अब फिर से सेम चीज, अगर एसएलआर बढ़ क्या किया जाए? अगर एसएलआर बढ़ जाए तो मुझे अपने पास ज्यादा रिजर्व्स रखने हैं या कम? ऑब्वियसली बात है, मुझे अपने पास ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने होंगे. अगर मैं अपने पास रिजर्व्स में ज्यादा पैसे रखूंगी तो मेरे टोटल डिपॉजिट्स में कमी आएगी. अगर मेरे टोटल डिपॉजिट्स में कमी आई तो मेरा फ्लो ऑफ क्रेडिट इस केस में बढ़ेगा या घटेगा? तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो सीआरआर की, बिल्कुल सेम है. तो रिजर्व ही, रिजर्व में पैसा ज्यादा जाएगा.
तो मेरे पास डिपॉजिट्स कम बचेंगे और आगे फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीज होगा. तो अगेन अगेन इट शोज कैसा रिलेशनशिप, अ नेगेटिव रिलेशनशिप. ये है एसएलआर. एसएलआर की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब आप अदर रेट से कंपेयर करो तो अदर्स ऐसे होते हैं 4-5, 4-5 यूजुअली ऐसे ही रहते हैं, बट एसएलआर तो 19-20-22 भी चला गया था, एक साल हुआ था 2016-17 मेरे ख्याल से, तो ऐसे चला जाता है एसएलआर का सैटरडे लिक्विडिटी रेशियो. और यूजुअली ये तब करते हैं आरबीआई, तब करती है यूजुअली जब आरबीआई को लग जाता है कि यार ये बैंक्स जो है ये बहुत लोन दे रहे हैं, अपनी लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, बहुत लोन दे रहे हैं पब्लिक बेमतलब, तो तब ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है रिजर्व बैंक, ताकि उनको रिजर्व में पैसे ज्यादा रखने पड़े. ठीक है, हो गया एसएलआर. अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दैट इज ओएमओ, स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओएम ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब याद करो बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला पॉइंट क्या था. बैंकर टू द गवर्नमेंट उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती, याद है कुछ बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बेचती और खरीदती है, आरबीआई उनका ट्रेड करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो सारे की सारी सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है. तो गवर्नमेंट इज मेंट फॉर सोशल वेलफेयर, तो वो डायरेक्टली उसका ट्रेड नहीं करती टू अर्न प्रॉफिट. याद है ना बैंकर टू द गवर्नमेंट पढ़ा था हमने, रिवाइज वगैरह कर रहे हो ना तुम घर पे. हाँ, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला सेम पॉइंट जो बाय एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज था वो ये. मीनिंग क्या है सुन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या बोलता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स के साथ बाय और सेल करे. दिस इज द डेफिनेशन. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आरबीआई तुम्हारे साथ सिक्योरिटीज का ट्रेड करती है, जो सिक्योरिटीज किसकी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, बस उनका ट्रेड कर रही है तुम्हारे साथ, मतलब बाइंग और सेलिंग. दिस इज द डेफिनेशन. अब सुनना गाइस, मैं आरबीआई, मैं तुम्हारे पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी खरीदनी. तुमने कहा ठीक है, फ्री में तो दोगे नहीं तुम, तो तुमने, मैंने बोला मुझे सिक्योरिटी दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती. तुमने कहा ठीक है, तो मैंने तुमसे सिक्योरिटी परचेज की और तुम्हें क्या दिया, पैसा. तुम्हारे डिपॉजिट्स बढ़े या घटे, तुम्हारे डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज, रिप्लाई थोड़ा जल्दी करो, पिटाई हो जाएगी वरना, आलस मत फैलाओ. हाँ, तुम्हारे डिपॉजिट्स बढ़े या घटे, इंक्रीज हुए. ठीक है, अगर तुम्हारे डिपॉजिट्स बढ़े तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकते हो या कम, तो तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकते हो या कम, ज्यादा. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आई, आरबीआई हूँ मैं तुम्हारे पास आई, मैंने तुमसे सिक्योरिटीज परचेज की, तो तुम मुझे फ्री में नहीं दोगे भाई सिक्योरिटी, तुम मुझसे इसके बदले क्या लोगे, पैसा, कमोडिटी है काइंड ऑफ, मान सकते हो उसको. ठीक है, तो तुमने मुझे वो चीज दी, ठीक है, मैंने परचेज की, मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुम्हारे डिपॉजिट बढ़े, तो तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकते हो या कम, ऑब्वियसली बात है ज्यादा. तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर. हम बात कर रहे हैं अगर आरबीआई सिक्योरिटी बाय करती है तो इस केस में फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पैसा देगी आरबीआई, देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इनफ्लो करेगी पैसा. अगर पैसा वो दे रही है तो ऑब्वियसली बात है डिपॉजिट्स बढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, वो आगे लेंडिंग ज्यादा कर पाए, वाइस वर्सा. अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं बोलूं भाई ना बाय नहीं करना, बेचना है, मैंने कहा ये लोग हैं सिक्योरिटी बेच रहे, तो मैं भी फ्री में नहीं बेचूंगी, मैंने कहा पैसा दो, तुमने मुझे पैसा दिया, तुम्हारे डिपॉजिट्स कम हुए, तुम्हारे डिपॉजिट्स अगर कम हुए तुम आगे पब्लिक को ज्यादा लोन दोगे या कम, कम. तो जब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगी तो फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज.
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, चले आगे. वैसे तो जब हम बोलते हैं ना, वैसे तो मेन जो पॉइंट्स हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के वो चार है, बट दो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो पिछले तीन लास्ट थ्री इयर्स से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं एंड द इंस्ट्रूमेंट्स आर, एक है रेपो रेट और एक आता है रिवर्स रेपो. एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट. पहला पॉइंट याद करो, बैंक रेट सेम होता है रेपो रेट, दोनों में फर्क क्या है बस वो मैं बताऊंगी. बैंक रेट क्या था, जिस मिनिमम रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को. रेपो रेट भी सेम चीज है, जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो दोनों में फर्क क्या है. रेपो रेट वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, एक से 14 दिन बस. अभी बोल रहे हैं शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट बोल सकते हो इसको टाइम पीरियड, 1 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है बस. वेयरएज जो हमने बैंक रेट पढ़ा उसका टाइम पीरियड 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है, 6 months to 5 years तक चलता है, तो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है बैंक. बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, रिलेशनशिप वगैरह सब सेम है. क्या फर्क है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम 14 days. मीनिंग इज सेम कि जिस रेट पे आरबीआई लेंड्स मनी टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. अब ये एक नया टर्म, 2 साल पहले एक बच्चा था मेरे पास, मैंने मनी एंड बैंकिंग का टेस्ट लिया और उस बच्चे ने, मैंने एक क्वेश्चन दिया था रिवर्स रेपो रेट के रिलेशनशिप का, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था तो उसमें मीनिंग भी लिखना होता है, तो उस बच्चे ने क्या किया कि मीनिंग जो है वो क्या लिखा मैं तुम्हें बता दूं, रिवर्स रेपो रेट उसने इसका उल्टा कर दिया बिल्कुल. मतलब उसने बोला रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, तो कभी भी अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट ना आए ना तो गलत मत लिखाना, बदलेगा टीचर भी पूछे भाई क्या है कहाँ से पढ़ लिया, तो ये नहीं होना चाहिए. तो रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पहले ये बैंक रेट कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम 5 years प्रगति. ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये नहीं कि रेपो रेट का उल्टा कर दो तो रिवर्स रेपो रेट बन जाता है. इसका मतलब क्या है वो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, अभी इतने पैसे, मैं लोन भी अच्छा खासा दे रही हूँ पब्लिक को, मैंने अपने पैसा इन्वेस्ट भी कर रखा है किसी बिजनेस एक्टिविटी में, मेरे पास रिजर्व्स भी हैं, सीआरआर एसएलआर दोनों के फॉर्म में मैं रिजर्व्स मेंटेन करके रखती हूँ, तब भी मेरे पास सरप्लस फंड्स. तो कमर्शियल बैंक ये सोचता है भाई इनको रखे रखे, मतलब रखे रखना तो वो बेकार वेस्टेज है मनी, तो क्या किया जाए. तो वो मतलब तुम फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक हो, तुम मेरे पास आते हो और तुम कहते हो हमारे पास बहुत पैसा है, अभी भी बहुत डिपॉजिट्स है मेरे पास, सरप्लस फंड्स है, तो इसमें हमें कुछ अर्निंग करनी, तो मैं तुम्हें बोलूंगी ठीक है अपने सरप्लस फंड्स मेरे पास पार्क कर दो, मतलब मेरे पास रख दो. तो तुम बोलोगे हमें क्या फायदा होगा, तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि भाई जो तुम मुझे फंड्स दे रहे हो उसमें मैं तुम्हें क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी, ताकि जो तुम्हारे पास रखा हुआ पैसा है वो बर्बाद ना. तो आरबीआई थिंक्स इन दैट वे, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द एंटायर इकोनॉमी, पैसा बर्बाद नहीं करना, तुम मेरे पास रखो, मेरे पास अपने सरप्लस फंड्स पार्क करो, मैं तुम्हें उसमें क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी. तो दिस इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि जो सरप्लस फंड्स थे कमर्शियल बैंक के वो उन्होंने अपने रखे हुए हैं किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, टू अर्न मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट.
ये है, और तुम बोलोगे इससे फायदा क्या है? भाई इससे फायदा ये है, आरबीआई को डायरेक्ट फायदा नहीं है पर इनडायरेक्टली है, क्योंकि अगर वो उस डिपॉजिट्स पे जो उन्होंने आरबीआई के पास मेंटेन कर रखा है उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा, तो जब भी वो उसको वापस लेते हैं उन डिपॉजिट्स को, तो वो आगे पब्लिक को और ज्यादा अच्छे से लेंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बोरोइंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिससे ऑब्वियस ही बात है ज्यादा लोग बोरो करेंगे। तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट जो हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका, रिवर्स रेपो रेट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो इसका मतलब मुझे आरबीआई के पास ज्यादा डिपॉजिट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ज्यादा परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स का। हालांकि मुझे उससे फायदा हो रहा है, मगर पब्लिक को इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रख दूंगी तो अगेन मेरे टोटल डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, घटेंगे, तो इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वॉलेटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो तुम देखना रिलेशनशिप पर ही फिर से, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं आरबीआई को देना पड़ता है जितना हम नहीं चाहते, तो इससे मेरे टोटल डिपॉजिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, विच विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी। तो ये है रिवर्स रेपो रेट। तुम्हें अगर मीनिंग आता होगा ना, मीनिंग नहीं आता तो तुम एक्सप्लेनेशन कभी लिख ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो तुम इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से लिख सकते, बहुत आराम से। हो गया, एक बार रिलेशन एक्सप्लेन कर दो। नव्या, रिलेशनशिप क्या है? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, मतलब मैंने जो तुम मेरे पास सरप्लस फंड्स पार्क कर रहे थे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बढ़ा दी, तो तुम ऑब्वियस ही बात है, एक तो ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में भी तुम मेरे पास ज्यादा डिपॉजिट्स मेंटेन करो, तुम चाहोगे कि भाई यहाँ से हमें ज्यादा फायदा होगा, तो हम एक काम करते हैं ज्यादा डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो तुम्हारे टोटल डिपॉजिट्स घट जाएंगे, और क्योंकि तुम्हारे टोटल डिपॉजिट्स घट गए तुम आगे पब्लिक को कम लोन दे पाओगे, तो इससे फ्लो ऑफ क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीज। ठीक है ना भैया, एक मिनट, ओ अबे इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते हो तुम, एक मिनट रुको, ए रुको रुको, रिवर्स रेपो रेट मैंडेटरी है सब कमर्शियल बिकॉज सबके पास सरप्लस फंड्स ना हो? नहीं, मैंडेटरी नहीं है सॉन्ग। और जिया बेटा इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं, मतलब ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, कोई भी शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा। और स्वामी ने पूछा था कि ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो मैं एक बैंक हूँ, मैं कोई अभी छोटा मोटा बैंक को इनिशियल सेटअप किया है मैंने, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी अथॉरिटी आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ती है कि इफ यू हैव सरप्लस फंड्स तो यू कैन पार्क दैट सरप्लस फंड इनटू माय अकाउंट, और मैं तुम्हें इसमें बेनिफिट रिस्क बेनिफिट दूंगी। अब किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा? ये बोल मिटा दू, और ये तो बस एक तरीके से ना कमाई करने के तरीके कि तुम्हें बस बेनिफिट रिसीव हो रहा है, तो इससे ना एक मोटिवेशन आती है बैंक्स के अंदर कि हाँ भाई हमें भी अब और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है ताकि हमारे पास भी अच्छा खासा डिपॉजिट हो और हमारी भी कमाई हो आती है। तो इट इज जस्ट मतलब इसको हम ऐसे एंगल से देख सकते हैं कि ये बस मोटिवेशन के लिए, ताकि एफिशिएंटली काम करें सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स। अब आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से, वैसे तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मुझे आज तक कभी भी नहीं समझ आया, मुझे भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, एंड देयर इज नो चेंज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नॉट अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो मुझे आज तक कभी नहीं समझ आया कि क्यों अभी भी इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। छोड़ो, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, पहले समझते हैं ये टॉपिक क्या है। मैं ना अभी आरबीआई को इंक्लूड नहीं कर रही, मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ, मैं कमर्शियल बैंक और तुम पब्लिक।
तो मैं ये बोल रही हूँ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। तुम मेरे पास आते हो और तुम कहते हो तुम्हें लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कितना? तुमने कहा 50 का। ठीक है, मिल जाएगा। कोलेट्रल सबमिट करना पड़ेगा। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या सबमिट करोगे? तुमने बोला घर है, घर के पेपर्स। तुम्हें ये चीज तो पता है कि जितना भी तुम लोन का अमाउंट बोरो करते हो फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, तुम्हारा जो कोलेट्रल की वर्थ होनी चाहिए वो लोन के अमाउंट से कई ज्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो पता है सबको। जितने ज्यादा का लोन उतने ज्यादा का कोलेट्रल होना चाहिए। ठीक है, ये तो पता है ना। हाँ, तो अब तुम मेरे पास आया और तुमने कहा कि 50 लाख का लोन। मैंने कहा ठीक है भाई, मिल जाएगा। तुमने अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं। तो मैंने कहा कितना, कितने की वर्थ है? तुमने कहा करीब करीब 1 करोड़ की वर्थ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 50 लाख। वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? जितना आप कोलेटरल बैंक के पास गिरवी रखते हो एज मॉर्गेज, और जितने का लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक्स टू एनी इंडिविजुअल, उन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मीनिंग क्लियर रखना। कमर्शियल बैंक आरबीआई को अप्रोच करती है और बोलती है उन्हें लोन चाहिए। तो जितने का भी लोन का अमाउंट होता है और जितने का वर्थ कोलेट्रल वो बैंक के पास गिरवी रखते हैं, उन दोनों का डिफरेंस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मीनिंग इसका। अब सुनो, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50, 50। मैंने तुम्हें बोला ये बढ़ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया और बढ़ के हो गया 60 लाख। तो इसका मतलब अगर 60 हो गया, इसका मतलब ये है कि मुझे ज्यादा वर्थ का कोलेट्रल बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा, ज्यादा महंगा कोलेट्रल देना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया भाई, 50 से 60 कर दिया। ये कौन आ रहा है भाई? हाँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ज्यादा वर्थ का कोलेट्रल जो है वो बैंक के पास मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। तो मेरे लिए आरबीआई से बैंक, मतलब आरबीआई से लोन लेना थोड़ा सा महंगा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने एमआर को इंक्रीज कर दिया। तो मैं उनसे कम लोन ले पाऊंगी और आगे पब्लिक को भी मैं कम लोन ग्रांट कर पाऊंगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एमआर बढ़ गया और बढ़ के हो गया 60 लाख जो 50 था, इसका मतलब मुझे 1.1 करोड़ का कोलेटरल अब बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो मेरे लिए लोन लेना कॉस्टली हो गया भाई, इतना महंगा कोलेटरल। मेरे लिए लोन लेना थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं लोन कम ले पाऊंगी और मैं आगे पब्लिक को भी कम लोन दे पाऊंगी। तो व्हेन मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीज। फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। रिलेशनशिप वही सेम, नेगेटिव। और अगर मैं बोलती यार मार्जिन रिक्वायरमेंट घट गया, 60 था ना, उससे पहले 50 था जो रियल वाला था, अब घट के हो गया 40 लाख, तो जरा बताना कितने वर्थ का कोलेट्रल आपको मैं सबमिट करना पड़ेगा? 40 लाख हो गया, मतलब कितने वर्थ का कोलेट्रल आपको मैं सबमिट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है 90 लाख। पहले 1 करोड़ था, अब मुझे 90 लाख का कोलेटरल सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे लिए लोन लेना आसान हो गया, चीपर हो गया। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं लोन ज्यादा लूंगी, क्योंकि मेरे लिए लोन लेना थोड़ा सा चीपर है, तो मैं आगे पब्लिक को भी ज्यादा लोन ग्रांट कर पाऊंगी, उसकी वजह से फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन डेफिनेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। हर किसी की डेफिनेशन के बेसिस पे ही ये रिलेशनशिप आगे फॉलो अप की जाएगी, चाहे बढ़े चाहे घटे। एक बच्चा है अभी, कॉन्टिनेंस के एक बच्चा आ रहा है, और वो 4 बार आ चुका है अलग अलग नेम से। अभी जो लास्ट नाम था दैट वॉज मुकेश अंबानी, उससे पहले रैपर, बंटा है रैपर,
उसके बीच में भी एक नाम आया था, वो मैंने पढ़ा नहीं। क्या मजा आया, पढ़ना है तो भाई पढ़ लो, मैं फ्री में पढ़ा दूं क्या। हाँ भाई, हो गया ना पहला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी के 3 पॉइंट्स तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो देख, ये 3 पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये कनेक्टेड है, आपस में बिल्कुल रिलेट होते हुए जाएंगे, तो सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे सबसे पहला आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसके बाद मॉरल सुएशन, देखेंगे अभी वो क्या है, और एक आखिरी आएगा डायरेक्ट एक्शन। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। आर ओ सी, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो अब फिर आ गया अमिताभ बच्चन के नाम से, अरे भाई क्या हो रहा है। हाँ, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, तुम में से कोई नहीं है ना भाई, परेशान मत करो यार, तुम में से कोई नहीं है, बता दिया करो। और यार पासवर्ड वगैरह ना किसी के साथ शेयर वेयर तो नहीं करते ना, मुझे पता है ट्रस्ट है, बट फिर भी कभी मजे करने हो ना तो ऐसे ही बता देना, हम ऐसे ही 1 घंटा मजे करेंगे, बातें बातें करेंगे, खाएंगे पियेंगे वर्चुअली। ठीक है, तुम अपने घर में, मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है। बाबूराव, नाइस नाइस, वेरी नाइस, सुनते जाना। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब, मैं आरबीआई, तुम कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक के इंडिपेंडेंटली, हर कमर्शियल बैंक के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है बाय द आरबीआई। ये रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है, कि हर कमर्शियल बैंक के लिए एक लिमिट सेट की जाती है, ठीक है ननीषा, कि आप इससे ज्यादा लोन पब्लिक को नहीं दोगे एक साल के टाइम पीरियड, इससे ज्यादा लोन ग्रांट नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन ना दिया जाए। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज मतलब, अगर तुम मेरे पास आते हो और तुम कहते हो तुम्हें लोन चाहिए क्योंकि तुम्हें शेयर्स में पैसा लगाना, तो बोलोगे भाई ना आरबीआई इस चीज की अथॉरिटी नहीं देती तुम्हें, क्योंकि शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, दिस इज द रीजन फॉर योर बोरोइंग्स, तो लोन विल नॉट बी ग्रांटेड। ये कुछ गाइडलाइंस है जो किसका पार्ट है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है देयर हैज बीन अ फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट बाय द आरबीआई कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए, जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, उन एक्टिविटीज के लिए लोन ना ग्रांट किया जाए। हाँ तनिषा भाई, रिस्क फैक्टर, पेपर क्लेम्स, ठीक है। और सेकेंडली हम ये कहते हैं कि इससे ज्यादा लोन, एक क्रेडिट लिमिट होती है हर इंडिपेंडेंट कमर्शियल बैंक के लिए, एसबीआई के लिए अलग होगी, एक्सिस के लिए अलग होगी, एचडीएफसी के लिए अलग होगी, कि इससे ज्यादा लोन का अमाउंट ग्रांट ग्रांट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, तुम कमर्शियल बैंक, तो होता क्या है कि कमर्शियल बैंक के ना कस्टमर्स बन जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे जिसपे उन्हें बहुत ट्रस्ट होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स विजय माल्या जैसे कस्टमर्स होते हैं, जो एसबीआई का बहुत अच्छा कस्टमर रहा, ठीक है, नीरव मोदी जैसे, तो ऐसे कुछ कस्टमर्स बन जाते हैं जो, जिनको पेपर वर्क की इतनी नीड नहीं पड़ती, उन्हें बस अपनी शक्ल दिखानी होती है और अपने कुछ एसेट्स दिखाने होते हैं कि ये सब ओन करते हैं हम, इस चीज के ओनर हैं हम, बस उन्हें क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो आप जो आप लिमिट है उसको आपने अगर एक्सीड कर दी, आरबीआई की गाइडलाइंस को अगर आप अनफॉलो कर रहे हैं, तो आरबीआई तुम्हें अप्रोच करेगी, बैठ आरबीआई तुम्हें नोटिस भेजती है। अप्रोच का मतलब इन टर्म्स ऑफ नोटिस, रिटन नोटिस भेजा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉरली प्रेशराइज करना। मॉरल सुएशन इज मॉरली प्रेशराइज, मॉरली परसुएड करना कि भाई रूल्स को फॉलो किया जाए। एक तरह से हम इसको, जब मैं पढ़ती हूँ तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वार्निंग्स देते, एक तरह से तरीके से आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स, वार्निंग्स। अब अगर वो भी नहीं हुआ, मतलब वार्निंग्स के खिलाफ, लिपिकट मैं रिपीट कर दूंगी एक बार सारे, ठीक है, तो वार्निंग्स के खिलाफ भी
अगर कोई कमर्शियल बैंक जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को यूजुअली ये लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, उनका कोई वॉच डॉग नहीं, तो दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, तो फिर क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब कि आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है, सुपरविजन याद करना अपना फंक्शन, आरबीआई हैज फुल अथॉरिटी कि वो कुछ भी कर सकती है टुवर्ड्स एनी कमर्शियल बैंक, चाहे वो लाइसेंसिंग कैंसलिंग हो, चाहे वो एक्सपेंशन रोकना हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर्सन की या फिर पूरे बैंक के एम्प्लॉयज की सैलरीज डिडक्शन हो या नो सैलरीज हो, नो सैलरीज विल बी ग्रांटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्ट एक्शंस होते हैं जो आरबीआई ले सकती है टुवर्ड्स एनी कमर्शियल बैंक। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब कि हर कमर्शियल बैंक के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आप इससे ज्यादा लोन ग्रांट नहीं करेंगे, फर्स्टली। सेकेंडली कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए, जहां पे रिस्क के ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज के लिए लोन वगैरह ना ग्रांट किया जाए। अगर कोई इन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता तो आरबीआई पहले उन्हें मॉरली प्रेशराइज करती है, विच इज मॉरल सुएशन। मॉरली प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, एक तरीके से वार्निंग्स भी दी जाती है, समझाया भी जाता है कि डायरेक्ट एक्शन तक नौबत ना पहुंचे। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ जाता है, क्योंकि फाइन्स एंड पेनल्टीज इम्पोज कर दी जाती है डायरेक्ट एक्शन। तो अगर कोई कमर्शियल बैंक इस चीज को भी फॉलो नहीं कर रहा जो मॉरली नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो फिर एंड में एक चीज आती है विच इज नोन एज डायरेक्ट एक्शन टूवर्ड्स एनी कमर्शियल बैंक। तो दीज आर द रियल क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैं 32 साल का मुकेश, कैंसर का मरीज, एंटर द वेटिंग रूम, बताओ क्या है, कैसे कैसे नाम आ गए। एनीवेज, हो गया ना, ठीक है। अब तुम्हारे पास होमवर्क क्या है, तुम देखोगे जब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है ना, तो उसमें एंड में टेबल है, मतलब वो डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का, वो एक बार पढ़ लेना पूरा का पूरा। और तुम्हारा होमवर्क क्या है पहले वो सुनो, ये तो पढ़ना ही है पूरा। और जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हुए, उस एमसीक्यू जब खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद से ना एक नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर है। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस जो एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर रहे हैं और हॉट्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में मनी एंड बैंकिंग का जब टेस्ट होगा, तो उस 1 मार्क क्राइटेरिया के जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। और जब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करोगे, तो 3-4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर मैंने दिए हुए हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे क्वेश्चन आएगा इवोल्यूशन ऑफ मनी 3 नंबर के हिसाब से, तो वो बस तुम्हें लर्न करना है अपने पार्ट में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बस ये है कि अगर बाई चांस एक क्वेश्चन ऐसा उठ के आ जाए जो तुमने कभी नहीं देखा ना तुमने पढ़ा, तब भी तुम्हें उसका आइडिया होना चाहिए। तो तुम्हारा ये पूरा होमवर्क, क्वेश्चंस एज वेल एज दिस सेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। हाँ, हंच स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया, तो तुम्हारा ये होमवर्क है। हम मिलेंगे परसों, परसों एक अनाउंसमेंट करूंगी रिगार्डिंग द नेक्स्ट टेस्ट, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। परसों डेट बताऊंगी कब है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।